5 फीट के हिसाब से हम लोग 80 फीट डाल लो, 10 फीट के 50। आपको बनाने वाला बीज 30 के जीरो मार्क्स मिले हैं? क्या बात है, लगातार 10 बार। हाँ, तुमसे ये सब किसने कहा है? हमें ये सुनियो ने बताया। सुनियो ने? सुनियो है सबसे होशियार बच्चा, दुनिया का सबसे होशियार। तुमने सबसे झूठ क्यों कहा कि मुझे टेस्ट में लगातार 0 मार्क्स मिले हैं? तुम ये क्या कह रहे हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ, सुनिए ने अच्छा नहीं किया। हाँ ये तो है, मैं भी हैरान हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें लगातार 10 बार 0 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। हाँ, मुझे लगातार 9 बार 0 मार्क्स मिले हैं और 10 टेस्ट में 20 मार्क्स मिले हैं। उसने 10 बार समझ लिया और अब मेरा मजाक बना रहा है। हाँ ठीक है, डोरेमोन क्या तुम इस अफवाह को बंद करवा सकते हो? एक बार कोई बात फैल जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हाँ, तो तुम नई अफवाह फैला सकते हो डोरेमोन? नई अफवाह फैलानी है? नोबिता को लगातार 9 बार 0 मार्क्स मिले हैं और 10 टेस्ट में 20 मार्क्स मिले हैं। तो तुम्हें ये अफवाह फैलानी है? तुम कर सकते हो? अच्छा ठीक है, अफवाह फैलाने वाला बीज। इस बीज को बो दो इस तरह से जमीन में। लगातार 9 बार 0 मार्क्स मिले हैं और फिर 10 टेस्ट में 20 मार्क्स मिले हैं। नोबिता को लगातार 9 बार 0 मार्क्स मिले हैं और 10 टेस्ट में 20 मार्क्स मिले हैं। लगातार 9 बार 0 मिला है नोबिता को, क्या सच में? हे नोबिता, तुम्हें लगातार 9 बार 0 मार्क्स मिले हैं ना? हाँ बिल्कुल सही, वो भी पूरे 9 बार। क्या कहा, तुम तो कमाल के हो। हाँ वाकई में, इस गैजेट का असर बहुत अच्छा है। और हाँ डोरेमोन, मुझे भी वो बीज दो ना, मुझे है ना सुनियो के बारे में अफवाह फैलानी है। हाँ उसे सबक तो मिलना ही चाहिए। तो बताओ तुम्हें कौन सी अफवाह फैलानी है? वो मैं उसके बारे में कोई मजेदार अफवाह फैलाना चाहता हूँ। सुनियो हमेशा नहाने के पहले डिस्को डांस करता है और बेबी बॉटल इस्तेमाल करता है। अभी अफवाह फैल जाएगी। ला 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 ला। सुने सुनो, क्या तुम्हें पता है कि नोबिता? अरे सुनियो, क्या तुम बेबी बॉटल इस्तेमाल करते हो क्या सच में? बेबी बॉटल? नहीं 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 नहीं। सुनियो मैंने भी ऐसा ही सुना है। बेबी बॉटल में दूध स्वादिष्ट लगता है क्या? डोरेमोन जी, हां तुम इंतजार
तैयार कराने के लिए सॉरी। क्या मतलब? दादा देखो ये मार्केट में सबसे नई कॉमिक आई है। क्या नई कॉमिक? ये जायको की है समझे? ये तो जायको की है। उसकी नई कॉमिक तैयार है। अरे वाह मुझे वो कॉमिक चाहिए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबको अभी इस कॉमिक के बारे में पता नहीं है तो कोई इसे कैसे पढ़ेगा बताओ, इसीलिए सबको बताओ कि उसकी ये मजेदार कॉमिक तैयार है। बिना पढ़े कोई कॉमिक को कैसे मजेदार कह सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब है ये मजेदार नहीं है? अब सुनो आज रात तक तुम्हें सबको इस कॉमिक के बारे में बताना होगा। अब क्या करें? अब तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। जायको ने एक नई कॉमिक लिखी है और ये एक बहुत ही मजेदार कॉमिक है। अब जायको की कॉमिक हर कोई पढ़ना चाहेगा। अरे वाह डोरेमोन मुझे भी एक बीच दो ना। लेकिन क्यों ना बता? प्लीज डोरेमोन दो ना। शिजुका और नोबिता बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये तुम गलत कर रहे हो नोबिता, ऐसा मत करो। अरे कोई बात नहीं, शिजुका और नोबिता बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सुनो मैं तुमने उसके बारे में सुना? हाँ मैंने सुना, मैं भी हैरान रह गई थी सुनियो। वो अचानक हुआ कि नोबिता और जायको बेस्ट फ्रेंड्स हैं, समझी तुम? क्या? नोबिता और जायको बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नोबिता बहुत अजीब है। हाँ जायको अच्छी लड़की है। जायको और नोबिता बेस्ट फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ डोरेमोन? मुझे भी नहीं पता। तुम और जायको बेस्ट फ्रेंड्स हो? मुझे जायको पसंद नहीं है। जायको के बारे में क्या कहा तुमने? मजाक कर रहा था, जायको बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है। मेरी बहन से दूर रहना समझे? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं जानता हूँ जियान ने जो भी किया वो बहुत गलत था। तो अब क्या करूँ? चलो हम तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं। गलत अफवाह? हाँ चलो तुम्हारे बारे में ढेर सारी गलत अफवाह फैलाते हैं।
सलून चाचा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सलाम हुआ। वालेकुम सलाम। बोल। हाँ रुक ना।